रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कज़म और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी सुबह पॉजिटिव और खुशगवार गुजर रही होगी व्यूअर्स पॉजिटिविटी की जब हम बात करते हैं तो पॉज़िटिव रहना हम सब की ज़िंदगी की एक ज़रूरत है आज के ज़माने में जहाँ पर इतनी ज़्यादा टेंशन इतनी ज़्यादा एंगजाइटी बढ़ गई है वहाँ पर इंसान अगर पॉजिटिव नहीं रहता तो फिर ज़िंदगी जीनी मुश्किल हो जाती है आज हम बात करना चाहेंगे ना उम्मीदी पे और ना उम्मीदी के साथ जो नेगेटिविटी आती है उसके बारे में और कैसे अपने अंदर से ये जो एक नेगेटिविटी आ जाती है हम उसको कैसे निकालें क्योंकि व्यूअर्स देखें अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा हैं कोई ऐसा इंसान नहीं है जो किसी भी टफ़ टाइम से ज़िंदगी में नहीं गुज़रा बल्कि हर दूसरे घर की कहानी है कि कोई इशू कोई प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चल रहा होता है और ये ज़िंदगी का हिस्सा है सुख और दुख लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा है क्योंकि ये हमें सिखाते बहुत कुछ है सो so, जिंदगी में पॉजिटिव रहना गिव अप ना करना मतलब आज की अगर हम कोई स्टेटमेंट पास करना चाहें तो वो ये होगी कि नेवर गिव अप जब इंसान गिव अप कर जाता है तो व्यूअर्स चैप्टर ही क्लोज़ हो जाता है ना फिर आगे कोई काम कोई चीज़ करने का ऑप्शन ही नहीं रहता और व्यूअर्स जिंदगी में कोई भी चीज़ हो कोई भी चीज़ हो जेन्यूनली मैं आपको कह रही हूँ मौत के अलावा हर चीज़ का हल मिल ही जाता है और अगर देखा जाए तो कोई सिंपल सी चीज़ ले लेते हैं जैसे कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही या बिज़नेस स्टार्ट की कामयाब नहीं हुए तो इंसान ने गिव अप कर दिया कि भाई छोड़ पड़े ये तो मामला होना ही नहीं है ये मामला चलना ही नहीं है फॉर गेट इट ये जो इट या गिव अप करने वाला मामला होता है ना ये बाकी मामलात ज़िंदगी के बड़े ख़राब करता है हर इंसान की ख्वाहिश होती है अपनी कोई बिजनेस हो अपना कोई रोज़गार हो आपने बिज़नेस के लिए ट्राई की आपने हाथ पाँव मारे वो चीज़ नहीं हो पाई तो उसको फिर किसी और एंगल से करने की कोशिश करें उस एंगल में आप कामयाब नहीं होते तो फिर किसी और तरीके से एक चीज़ को ट्राई करें व्यूअर्स मैं आपके सामने एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ एक ऐसे इंसान का जिसने वेरियस डिफरेंट बिजनेसेस करने की कोशिश की और उनमें कामयाबी नहीं हासिल की लेकिन फिर इस स्टेज पे अब जो मैं अपनी एक एक ब्रांड है जो स्किन केयर और हेयर केयर की है ऑर्गेनिक उसके अंदर अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी और एक काम जो है अल्लाह का शुक्र है अच्छे से चल पड़ा उससे पहले अगर आप मेरी एक्सपेरिमेंट्स का सुने तो आप लोग बेहोश हो जाएंगे कि मैंने कितनी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की और हर बंदा मुझे घूम के कहे कि भाई तुम्हारा चल रहा है काम जब टी वी तो तुम्हें क्या मसला है मॉर्निंग शोज भी करती हो एक्टिंग भी करती हो क्या ज़रूरत है तुम्हें बिजनेस करने का तो मेरा एक ही पॉइंट था कि भाई अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि डिग यो वेल बिफोर यूर थर्स्टी कि प्यास लगने से पहले ही कुआं खोद लोगे तो जब प्यास लगेगी तो आप बहुत नहीं एक सिंपल सी बात है ना सो राइट टाइम पे राइट right स्टेप्स लेना अकलमंदी का तकाजा है मैंने क्लोदिंग लाइन स्टार्ट की पार्टनरशिप में किसी के साथ वो नहीं चल पाई वो बहुत एक पहले मैंने पुराना आ, पहले एक चीज़ की वो असल में एक्चुअली उन्होंने सिर्फ मेरा नाम यूज़ किया था आ, और उस हमारी एक डील थी उस हिसाब से कि भाई मैं नाम यूज़ करने के इतना शूट्स वग़ैरह मैं साथ कराया करूँगी बाकी सारी चीज़ें वो देखेंगे खैर वो चीज़ नहीं चली डजेंट मैटर जुगन स्प्रेड के नाम से उस वक्त उसको शुरू किया था अच्छा उसके बाद फिर मैंने आ, एक प्रोडक्शन भी करने की कोशिश की एक सिट कॉम के दो एपिसोड बनाए वो अपनी तरफ से तो हमने बहुत अच्छी कोशिश की बट जब उसको डिफरेंट चैनल्स पे शो किया तो उन्होंने कहा कि जी हमारी क्वालिटी हमारे मैार का काम नहीं है हमें हम नहीं इसको रन कर सकते तो जो भी पैसे उस पर ख़र्च हुए वो आप बेसिकली सोचे कि वो डाउन द ड्रेन हो गए वेस्ट हो गए और मुझे याद है कि उस ज़माने में कोई दस बारह साल पुरानी बात है कि पाँच लाख रुपये में वो दो एपिसोड बने थे और उसमें मैंने अपनी पेमेंट ले ली थी और डायरेक्टर ने भी अपनी पेमेंट ले ली, ली राइटर ने भी ले ली सिर्फ ये हमारा एक एक्सपेंस था तो आप सोचें कि दस साल पहले पाँच लाख रुपए की का खर्चा करना नहीं ग्यारह साल पुरानी बात है शादी से पहले की मेरी बात है ग्यारह बारह साल पुरानी बात है तो पाँच लाख रुपये का खर्चा अच्छा अपनी जेब से अपनी सैलरी से खर्च किए उसका नहीं कुछ बन पाया वो बात ख़त्म हो गई वो चीज़ डब्बा हो गई डिसअपॉइंटेड हुई बड़े लोगों ने कहा कि यार तुम्हारा जब हाथ नहीं चलता इस तरह की चीज़ों पर तो छोड़ दो मैंने कहा वो तो ठीक है लेकिन बंदा ग़लतियाँ करने से ही सीखता है वाई नॉट आगे बढ़े फिर एक ही साथ मैंने जो बेवकूफ़ी थी मेरी कि मैंने एक ही टाइम पे रेस्टोरेंट भी खोल लिया फ़िटनेस स्टूडियो भी खोल लिया और उसके साथ साथ मैंने आ, जो है वो रेस्टोरेंट भी था फिटनेसूड और सैलॉन भी खोल लिया पार्लर भी खोल लिया अच्छा वो भी नहीं चल पाए कोविड भी आ गया कुछ मेरी मेरी एंड पे भी मिसमैनेजमेंट थी कुछ हमारी टीम का देखिए ऊंच नीच हो जाता है अल्टीमेटली जब कोविड का टाइम आया सारे मामला हो रहे थे मैंने बड़ी तवज्जो से बैठ के स्किन केयर हेयर केयर के ऊपर के काम किया कि भाई ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ें क्या इस्तेमाल की जा सकती हैं उससे एक आइडिया बना छोटी सी एक, एक, एक काविश की वो एक चल पड़ी और मामला चल पड़ा अब देखिए एक इनकम होती है इंसान की जो आप नौकरी से कमाते हैं और एक होती है जो आप अपने बिजनेस से कमाते हैं उसको आप ऑलमोस्ट लाइक अ बोनस कंसिडर करते हैं सो so, व्यूअर्स मैं आपके सामने अपनी कहानी इस तरह इसलिए प्रेजेंट कर रही करी हूं, अपने फेलियर्स को कि उन फेलियर्स के बाद ही कोई एक कामयाबी की किरण नजर आई और कुछ हुआ सो अप्स एंड डाउन तो व्यूअर्स लोगों के आते ही रहते हैं गिव अप कर जाता है बंदा तो कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है गिव अप के बाद फिर अगला स्टेप कोई रहता ही नहीं है और जब तक जिंदगी है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हमने गिव अप नहीं करना वैसे भी डिसपॉइंट होना और वो जो कहते हैं ना कि ये ये बहुत सी चीज़ें जो हैं ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करती हैं हमें फिजिकली भी इफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करती हैं सो फेलियर जब आप नाकाम होते हैं तो वो एक नया पाथ एक नया रास्ता आपको दिखाता है कि भाई ये नहीं चला चलो ये ट्राई कर लो और बाद सारी चीज़ें जो मैंने की है रेस्टोरेंट सैलान कपड़े शपड़े ये मैं फिर ट्राई करूंगी एक दफ़ा नहीं एक और दफ़ा क्योंकि कोविड की वजह से इतनी चीज़ें जो हैं वो फेल हुई कि क्या चीज़ कामयाब थी किस में पोटेंशल था किस में नहीं था नाइन्टी परसेंट चीज़ें तो नहीं चल पाई ना जो बंद हो गई कोविड के दौरान सो so, अब मेरी भी एक कोशिश है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँ जिनसे मैं अपने बच्चों को भी सिक्योर कर सकूँ अपने आप को भी सिक्योर कर सकूँ बहुत सी चीज़ें इंसान सोचता है सो डिसंटमेंट जिंदगी का हिस्सा है डिसअॉइंट जरूर हो थोड़ी देर के लिए सोचें कि यार ये क्या हुआ ये क्यों हुआ फिर उसको एनालाइज़ करें कि वो चीज़ क्यों नहीं आपकी कामयाब हुई और फिर नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ बढ़े व्यूअर्स दुनिया का को कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने किसी स्टेज पे डिसअपॉइंटमेंट फेस नहीं की हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो बहुत कामयाब हो चुके होते हैं भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम में कामयाबी या जिंदगी में कामयाबी या तलीम में कामयाबी लेटर ऑन इन लाइफ पाई एट दैट मोमेंट शायद वो लेट डाउन हो गए नई चीज़ चल पाई लेकिन आगे जाके फिर उन्होंने उस काम में जो है वो सुरखरू हुए सो पॉजिटिव रहना चाहिए रब ताला के साथ अपनी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड कीप ट्राइंग अनटिल यू सक्सीड ट्राई करें मेहनत करें मेहनत करें मेहनत करें बार बार कोशिश करें और तब तक कोशिश करते रहे जब तक आप कामयाब ना हो रब ताला आपकी मेहनत को देख रहे हैं आपके एफर्ट को देख रहे हैं मेरी एक फ्रेंड है घर बनाना चाहती है बहुत ज़्यादा अपसेट है मुझे उस दिन कह रही थी कि यार जुगन मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है नहीं बनेगा मेरा घर बेचारी के साथ हुआ भी कुछ ऐसा पहले ज़मीन को ख़रीदने की कोशिश की मियाँ बीवी ने बड़ी मुश्किल से ज़मीन ख़रीद ली अच्छा जब जमीन ख़रीदी तो उसकी को पोजैशन का प्रॉब्लम था कि वो क्लियर नहीं हुई तो वो उस वक्त घर नहीं बना पाए जो पैसे उन्होंने सेव किए थे घर बनाने के लिए वो सारे के सारे कोविड में इस्तेमाल हो गए अब जब फिर घर बनाने की कोशिश की तो कोई उस प्रॉपर्टी के कागजात में कुछ मसले निकल आए जिसकी वजह से वो बेचारी इतनी डिसहार्ट हुई कि मेरी उससे जब बात तो हुई मैंने कहा घर कब स्टार्ट करी हो तो रोना शुरू हो गई कहती है स्टार्ट कहती है हमने तो जमीन ली हुई है हम वो भी बेचना चाह रहे हैं मैंने कहा क्यों क्या हुआ तो उसने फिर अपनी स्टोरी बताई मैंने कहा यार ये तो ज़िंदगी के मामलात हैं ये तो होते ही हैं और मैंने अपना भी जब व्यूअर्स घर बनाना था तो छः साल तक पैसे जमा करती रही करती रही करती रही मेरे पास नियम के फाउंडेशन के पैसे जमा हो भी गए लेकिन मामलात कुछ ऐसे हुए कि वो प्रॉपर्टी क्योंकि वो थी डी एच ए में तो उसकी पोजेसन का आ, आ, का अभी टाइम नहीं आया था फंसी रही चीज़ फंसी रही बड़ी कोशिश की कि, कि किसी तरह बना लूँ अच्छा जब मैंने उसका नक्शा दिया उसके नक्शे में मसला आ गया पचास हज़ार चीज़ें हुई घर बनाने के दौरान बड़ी दफ़ा पैसे खत्म हो गए समझ ही नहीं आई कि क्या करूँ सोचा बड़े लोगों ने कहा इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है ना इसको बेच दो कि जितना बना हुआ उसको बेच दो जो पैसे आएंगे उससे कुछ बना बनाया छोटा सा ले लेना मैं भी डेट थी मैंने कहा नहीं मैंने वही चीज़ बनानी है जो मेरा दिल चाहता है और बनाई लेकिन बार 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 फेल होकर अपनी बातें इसलिए आपको व्यूअर्स बता रही हूँ क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं इसको क्या पता ये क्या जानती है बहुत से टफ टाइम्स मैंने भी जिंदगी में देखे हैं आपने भी देखे हैं अल्लाह ना करे कि और देखें लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और व्यूअर्स गिव अप नहीं करना ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम है और इसी के ऊपर हम बात भी करेंगे और कुछ ऐसी टिप्स और स्किल्स जानने की कोशिश करेंगे जिससे हम अपने अंदर जो एक नाउमीदी का एलिमेंट है उसको बाहर निकाल सकें किचन में बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ सैदान नूर हैदर हमारे साथ है जो एक्सीडिंगली पॉजिटिव ख़ातून है असल सलाम क्या हाल है आपके ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक मुझे ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं नाउमीदी की जो हमें अपने इर्द गिर्द हर जगह नजर आती है और इस लेवल की नाउमीदी के लोग कहते हैं जी हमने यहाँ रहना ही नहीं है हम जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ये मसला है वो मसला है मतलब ना उम्मीदी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में करना चाहिए कि अल्लाह ताला, ताला ने जिस हाल में रखा है आप कोशिश करते जाएं और अल्लाह ताला, ताला आपको कामयाबियां जो है वो देता जाएगा इन शाह तमी आमी अच्छा नूर जी ये बताइए कि आज आप किचन में क्या बना रही हैं तो कुछ सालनों से बाहर निकल आए क्योंकि होता है ना कि हर रोज ग्रेवी खा खा के ना बंदा तंग आ जाता है तो कोई लाइट सा ऑप्शन से खाएंगी जी जी बिल्कुल आज मैं बना रही हूँ जी दही भले और ये बिल्कुल लाइट है और आपका पेट भी भरा जाता है अगर आप शाम और ये वो वाले खास दही जो एक दिन आपने में शो पे भी जी जी, थे। जी जी ये वही वाले बहुत ही मजे है ठीक है जी और साथ में एक मीठा बना रही हूँ है जी और वॉलनट टॉफी क्रंच भी बड़े मजे की होती है अगर ये वही है जो मैं सोच रही हूँ जी जी इस कैंड मिल्क से इसकी पहले टॉफी बनाते हैं हम उसके बाद फिर हम उसके लेयर लगा सही है सही है वन वन बाय रेसिपी जी दही भल्लों के लिए जी मूंग की दाल है जी आधा कप माश की दाल है आधा कप मीठा सोडा जो है वो एक चुटकी है और सफ़ेद ज़ीरा जो है वो एक चाय का चम्मच है और मसाले के लिए हमें चाहिए जी सूखा धनिया वन एंड हाफ कप सफ़ेद ज़ीरा एक कप अजवाइन दो खाने के चम्मच टाटर की दो खाने के चम्मच और नमक हंसपे जायका या एक सर्विंग स्पून जो होता है वो डाल दें आप हाँ। और इसका तरीका ये है कि मूंग की दाल और माश की दाल दोनों दालों को मिक्स करके आप रात को आप भिगो दें और सुबह इसको अच्छे तरीके से धोकर और आप इसको ग्राइंड कर लें जब ग्राइंड कर लेंगे इसका मिक्सचर ना इतना रनी होना चाहिए और ना थिक होना चाहिए जैसे हम पकौड़ों का मिक्सचर बनाते हैं वैसा होना चाहिए इसमें मीठा सोडा और सफ़ेद ज़ीरा डाल के हम उसको ज़रा चम्मच के साथ ही अच्छे तरीके से फेंट लेंगे वो ताकि वो उसको वो एरेट हो जी।, उसमें हाँ जी और फिर उसको तेल गरम करके तो हम इसका ना सर्विंग स्पून से एक भल्ला जो है ना भर के डालते जाएंगे और फिर जब ये दोनों तरफ से ब्राउन हो जाए लाइट ब्राउन तो फिर आप इसको निकाल लें अच्छा तो अब ये सिर्फ इन भल्लों के साथ भी आप बना सकते हैं दही भल्ले और अगर आपने फुल्किया भी बनानी है साथ जी जी, वो उसी में तो उसी में आप फुल्किया भी बना सकते हैं बट मैं एक बात बताऊं वो जो एक, एक, एक सर्टन अंदाज है ना दही बल्ले के मतलब सिर्फ बल्ले दही और उसके साथ उसकी वो जो चटनी और जो गानी शंख बस में भी उसमें वो प्याज वगैरह वो, वो मनी लवाज ने। से ना वो हैवी हो जाए जी 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 और मसाले के लिए जी ये सारी चीज़ें हमने नमक और टाटरी के अलावा सब चीज़ें डाल के लाइट ड्राउन कर लेना है जब खुशबू आने लगे तो इसको ठंडा करें और ठंडा करके इसमें जो है वो

शक्कर जो है वो डेढ़ कप नमक एक चाय का चम्मच ज़ीरा दो खाने के चम्मच साबुत धनिया दो खाने के चम्मच और सुरख मिर्च कुटी हुई एक चाय का चम्मच और सूखा सु, आलू बुखारा जो है वो आधा कप इमली को हम भिगो देंगे और इसको हम जो है वो पक, पकने के लिए रख देंगे जब इसका पल्ब अच्छी तरीके से जो है वो गाढ़ा हो जाए तो इसको नीचे उतार के ठंडा करके और गुटियाँ अलहदा कर लेनी है और पल्ब जो है हमने दोबारा पैन में डाल के और शक्कर और सारे मसाले डाल के हमने इसको और पका लेना है

बहुत मज़े की चटनी भी बनती है खाने के साथ खाने खाने के साथ भी जी पुदीने की चटनी है जी धनिया पुदीना दो कप है नमक हंसवे जायका है लहसन का एक पूरा पल्प डालेंगे एक अदद और सफ़ेद ज़ीरा दो खाने के चम्मच सिरका दो खाने के चम्मच हरी मिर्च दस अदद इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के आप ब्लेंड कर लें पानी थोड़ा सा डाल के ना तो ये आपकी चटनी बन जाएगी इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं हमारी है चटनी बनेगी पुदीने और पुदीने और धनिया हाँ, हमने अपनी चटनी बनवानी तो ये हमारा जी दही का हो गया अब मैं आपको बताती जी क्रांच। और बेसिकली आपने इसकी असेंबलिंग कर कर देनी है लेयर्स में और और आप उसको यूटिलाइज दें और अगर आपको वो ट्रेडिशनल दूसरे वाले दही भले जिस तरह लोगों को जैसा मैंने कहा ना सिर्फ भल्लों के साथ उसमें आप बेशक ग्रीन चटनी ना डालें सिर्फ ये जो इमली वाली चटनी है मसाला दही और ये साथ पापड़ी इसको जो है पापड़ी के साथ हम सर्व कर देंगे बिल्कुल हाँ जी और हमने अब वॉल टॉफ़ी के लिए क्रीम चाहिए हमें तो दो कप विप्ड कैंडेंस मिल्क चाहिए हमें एक टेन और बिस्किट चाहिए हमें एक कप थोड़े से ना स्वीट होने चाहिए बिस्किट सॉल्टिश नहीं हमें चाहिए और अखरोट की गिरी चाहिए वन एंड हाफ कप चॉप्ट और आइसिंग चूगर चार खाने के चम्मच और एक हम फ्रेश फ्रूट में भी इसकी ऑप्शन है जी हम फ्रेश फ्रूट में पीचिस डाल सकते हैं और स्ट्रॉबेस डाल सकते हैं और कीवी डाल सकते हैं और कॉकटल जो है इसमें हम इस वक्त हमारे पास सिर्फ कीवी है और क्योंकि बाकी फ्रूट्स तो अभी नहीं है इसका सीजन नहीं है तो साथ हम डालेंगे फ्रूट कॉकटेल का एक टेन ठीक है तो टॉफी को हम जो कंडेंस मिल्क है वो हम बिल्कुल बंद डब्बे को हमने ढाई घंटे के लिए पानी में पका लेना है टेन को खोलना नहीं है बंद टिन को आपने पानी में डाल के बॉयल करना है यही आप यूज करते हैं बनोफी बनाफी पाए, पाए के लिए भी और इसको हमने पानी कम होता जाएगा आपने डालते जाना है इतना हो कि पानी जो टिन है वो हमारा डिप होना चाहिए ढाई घंटे पका के उसको बाहर निकाल के ठंडा कर लें और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं जब आपको कभी टॉफी बनानी हो ये आपका प्रोसेस हुआ होगा आप निकालें और बस लेयर लेर और टॉफी बना लें ठीक है जी फिर हमने जो है इसकी लेयर्स लगानी है बिस्किट जो है वो भी हमने क्रश कर लेनी है अखरोट की गिरी और दोनों बिस्किट्स को मिक्स कर लेना है पहले हमने डिश में कंडेंस मिल्क की हमने लेयर लगानी है पूरी थिन लेयर और उसके ऊपर हमने बिस्किट और इसकी वॉलट की लगानी है उसके ऊपर फ्रूट और उसके बाद हमने क्रीम की लगा देनी है क्रीम से मेरे को कवर कर देना है और इसको फिर आप दो घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें और उसके बाद इसकी जो है वो गार्निशिंग करके इसको सर्व कर दें और ये आप बाय द वे इस तरह एक उसमें भी बना सकते और और छोटे छोटे ग्लासेस ग्लासेस में भी भी नहीं नहीं ग्लासेस में बल्कि एक आप ना ग्लास में जरूर आ, आप ही बनाना सिखाइएगा क्योंकि वो लोगों को फिर समझ आती है थे। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि छह लोग ही खाने पे आ रहे हैं तो जरा इंप्रेसिव चीज करने के लिए डोंगे में बनाने की जगह इंडिविजुअल मैं हमेशा यही कहती हूँ की बड़ी चीज में ही बनाया करें क्योंकि फिर उतना ही इस्तेमाल होता है जितना चाहिए होता है आजकल लोग बड़े कॉन्शियस हो गए आप पूरी ब्लास्ट रखते हैं अगला बंदा लिहाज में एक दो ने वाले खा लेते हैं वेस्ट हो जाते हैं लेकिन ऑबियसली uh, अगर आप उस अंदाज़ से भी करना चाहते हैं तो नूर जी वो भी हमें एंड में दिखाएंगी हम व्यूअर्स यहाँ से ब्रेक की तरफ़ बढ़ेंगे और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उम्मीदी पे देखें उम्मीद छोड़ देना नाउमीदी है भी गुना बुरी चीज़ है ये इंसान को बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इफ़ेक्ट भी करती है जहनी तौर पर भी डैमेज करती है और इंसान को लिटरली एक मरीज़ बना देती है ये एक बीमारी है उम्मीदी इज़ एन इलनेस तो आज ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उम्मीद ना छोड़ने की ना उम्मीदी क्यों है और कैसे हम सब एज अ नेशन एंड एज इंडिविजुअल्स पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक फ्यूवर्स ब्रेक से पहले अपनी कहानियाँ भी आपके साथ शेयर की काम के मामले में भी अदरवाइज़ भी कि कितनी डिसअपॉइंटमेंट्स इंसान को फेस करनी पड़ती हैं लेकिन ज़िंदगी का मतलब ये है कि आपने चलते रहना है पानी जब ठहर जाता है तो उसमें बू पड़ जाती है उसमें बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं तो हमने चलते रहना है और ना उम्मीदी ज़िंदगी का हिस्सा है ये कोई ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इंसान जो है हर वक्त जो है वो पॉजिटिव और हैप्पी रह रहा होता है ऑब्वियसली ना उम्मीद की मोमेंट्स आती हैं लेकिन वो मोमेंट होनी चाहिए वो ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और इसी चीज़ से रिलेटेड हमें आज गाइड करने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट और सीनियर टी वी एंड मीडिया एनालिस्ट हैं जो स्पीकर हैं एंड मॉडरेटर है एट इंटरनेशनल एंड नेशनल फोरम्स बहुत ज़्यादा कॉपरेट सेक्टर में इनका काम भी है और लोगों को मोटिवेट करना ही अल्टीमेटली इनका काम है टर्म मोटिवेशनल स्पीकर बड़ी कॉमनली आजकल यूज़ होती है बट जेन्यून वाले मोटिवेशनल स्पीकर आज हमारे साथ हैं तसदुक तसदुक साहब साहब तसद अच्छा रसदुख भाई सबसे पहले तो नाउमीदी होती क्या है अगर उसको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो वॉट इज़ इस, इसका मतलब क्या है आपने ना अभी जो बात की उसी में मुझे ख्याल आ रहा था कि आप कहती हैं कि रुकना नहीं चाहिए अच्छा मुझे ये समझ आता है कि आप बेशक रुक जाएं क्योंकि टाइम एक पैरामीटर है तो वक्त तो चल रहा है आप समझते हैं आप रुक गए बट आप चल रहे हैं सिर्फ ये एक उस दौरान कुछ कर नहीं रहे अच्छा उम्मीद ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक कदम उठाने का हौसला देती है राइट फॉर एग्ज़ाम्पल अगला कदम उठाने अगला कदम उठाने का हौसला देती है अगर आप ना उम्मीद हैं तो, होपलेस हैं।, हैं तो आप अगला कदम नहीं उठाएंगे अगला लम्हा गुजर जाएगा आप कदम नहीं उठाएंगे आप पीछे रह जाएंगे और दैट लीड्स टू फेलियर इसीलिए अल्लाह ताला ने ना सबसे ज्यादा जिस चीज पे जोर दिया है वो है ही उम्मीद उम्मीद होप ताकि आप आगे बढ़े वो कहते हैं ना उम्मीद की किरण नजर आ जाए जहां जा, जा, से आप कुछ उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना भाई ये बातें क्यों आप सोचें कि पोएम्स आप नजमे देखें उसमें पोएट्स यही बातें कर रहे होते हैं आप ड्रामे देखें फिल्में देखें उसमें भी आपको ज्यादातर जितना भी एक ड्रोनी और औरफिक चीज़ हो उसमें कोई ना कोई एक उम्मीद का मैसेज जरूर होता है क्योंकि ना नाउमीदी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ये दुनिया में एक ऐसी बीमारी एक ऐसी वबा है जो अभी से नहीं दस तो भाई हमेशा से है हम जैसे कल आपने आपका मैंने वॉइस नोट भी सुना और मैंने हमारी टीम से भी डिस्कशन हो रही थी मुझे बताएं 100 परसेंट उम्मीदवार एंड पॉजिटिव कितने को हम लोग जानते हैं कोई भी हर वक्त तो नहीं होता ना पॉजिटिव हमारे मीडिया हमारे स्पीकर हमारे डिफरेंट लोग हमारे एनलिस्ट इसीलिए तो पैगाम देते हैं इस चीज़ का क्योंकि ये एक एंडेमिक एक पेंडेमिक है सही। जो खत्म नहीं होता बिल्कुल सही अच्छा इसके लिए ना हमें दुनिया को प्रॉपरली जिंदगी को प्रॉपरली समझना क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान की इसलिए नहीं बात करना चाहती हूँ सर क्योंकि अब हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं जो मामला पाकिस्तान में चल रहा है वो दूसरे ममालिक में भी चल रहा होता है हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं मैं पेट्रोल का एक्जाम्पल देती हूँ पेट्रोल के बारे में लोग चीखे मारते हैं आई अंडरस्टैंड मैं खुद चीखें मार रही होती हूँ कि भाई घर से निकलते हुए बंदा सौदवा सोचता है कि हूँ कितना पेट्रोल इस्तेमाल होएगा तो की खर्चा आई एम सॉरी बट पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में बढ़ी है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी हम चीख इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अपने प्रस्पेक्टिव से देख रहे हैं महंगाई की बात करते हैं कि यार महंगाई बढ़ती चली जा रही है और भाई कैनेडा में रियल एस्टेट की इंडस्ट्री ठप होकर बैठी हुई है क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स इतने बड़े हुए हैं सो व्यूअर्स पूरी दुनिया में फाइनेंशियल टेंशन और मेडिकल टेंशन क्योंकि कोविड की भी रिसर्जेंस की बात हो रही है ये चल रही हैं चीज़ें जी सर ऐसे ही है आ, देखें मैं आ, ये समझता हूँ कि हमें ना जिंदगी को समझना पड़ेगा पहले ज़िंदगी है क्या मेरा ख्याल है ज़िंदगी जो है ना वो आ, बहुत सारे कांटेदार रास्तों का एक एक टह लें एक एक समंदर है जिसके अंदर आपने तैर के किसी जगह जाना है Uh, अगर हम जिंदगी को यह समझते हैं कि ये कोई बड़ी कमाल की चीज़ होगी इसमें सारी आसानियाँ होंगी मुश्किलें नहीं होंगी हमारे हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं अनफॉर्चुनेटली खास तौर पे हमारे मुल्क में हम समझते हैं कि दुनिया गवर्नमेंट को ना सब कुछ कर लेना चाहिए ऐसा सब कुछ कर लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि हम बस आ, हमें कुछ ना करना पड़े आ, हमारे लिए सारी चीजें अवेलेबल हो तो ऐसे होता दुनिया नहीं। में कोई ऐसा, ऐसा मुल्क है कोई नहीं कहीं भी नहीं? दे वे, दे, वो कौन सी कंट्री को कहा जाता है आपके ख्याल से वहां पे घर बैठे उनके लिए खाना आ जाता है नौकरी भी नहीं करनी पड़ती आप मतलब ऐसे नहीं है क्या है? और देखें ये यहाँ पे हम आएंगे कि हमें हमारी बेसिक ट्रेनिंग में ना मसला क्या फिन, है मेरे जहाँ आपकी यहाँ बात कर रही हैं मेरे फिनलैंड के दोस्त भी हैं उस वक्त मेरे सी थे तो वो जो है ना वो छुट्टियों के दौरान जब उनकी समर हॉलीडेज होती थी वो ये करते थे कि वहाँ जाके अपनी टेरेस को ख़ुद एक्सटेंड करते थे वो लकड़ी काटता था वो जाके उसको तराशता था वो टेरेस एक्सटेंड करता था और फिर जाके ईमेल करता था पूरी कंपनी uh, को कि मैंने ना इतने मीटर टेरेस एक्सटेंड की तो मैं एक दिन उसके साथ बैठा मैंने कहा यार तुम मुझे ये बताओ ये तुम्हारा तुम्हारा प्रोडक्ट टाइम है इसको आप आउटसोर्स कर दो कोई बंदा तुम्हें दे देगा बना के खुद क्यों करते हो और इतनी उन्होंने कहा जी नहीं उन्होंने कहा हमें अपनी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि तुम मेहनत नहीं करोगे तो भूखे मरोगे मैं बात किसकी कर रहा हूँ जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट हाईएस्ट है जहाँ पे दुनिया में खुश लोग रहते हैं वो कभी भी इसलिए नहीं बैठते कि मुझे जाए देखिए कनेडा एक वेलफेयर स्टेट है अगर कोई बंदा मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है और उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट जरूर उनको कॉम्पनसेट करती है लेकिन इस चीज का जो लोग नाजायज फायदा उठाते हैं उनके प्रॉपर लीगल एक्शन भी लिया जाता है ऑब्वियसली कितनी अच्छी बात हो भाई ये concept तो हमारे इस्लामिक स्टेट्स ने शुरू किया था जकत का सिस्टम के आप दें और उसी खजाने में से से उन लोगों को हेल्प किया जाएगा जो टफ टाइम गुजर रहे हैं लेकिन ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता कि घर पे बैठे हुए और हर रोज आपकी एक आपके बिल्स भी है आपका खाना भी हो गया आपको घर बैठे हुए एक बटन दबाया और आपकी तालीम भी आपने स्कूल भी जाना है आपने जॉब पे भी जाना है आपने डॉक्टर पे भी जाना है आपने फांसी टीके भी लगाए आपने ये सब चीजें करनी है ये जिंदगी का हिस्सा है ऐसे ही है दुनिया के हर कोने में आप चांद पे भी चले जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको यही बातें कही जाएंगी तो काम तो करना हाँ, है कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो लोग ताकत रखते हैं मेहनत की काम करने की वो काम करेंगे उन लोगों को हेल्प करेंगे जो ताकत नहीं रखते अब ताकत कौन नहीं रखता वो नहीं जो मेरी तरह आराम से काम कर सकता है लेकिन उसका काम करने को दिल नहीं कर रहा ठीक है ऐसे लोग नहीं जो आपने बात की हमारे मुल्क में थोड़ा अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट जो है ना उसको हमने गडमट कर दिया अब यहाँ से लोग कैनेडा इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे वेलफेयर स्टेट है आराम से मिल जाएगा गवर्नमेंट से वजह अच्छा, मिल जाएगा दूस, सोचें जरा दूसरी बात जो पाकिस्तान में जो जनरली हम देखते हैं एक अंडरस्टूड एक एक बात अक्सर लोग कहते हैं कि रोज़ी रोटी अल्लाह देने वाला है देखी जाएगी रब अब ताला आपके लिए वसीले ज़रूर क्रिएट करते हैं लेकिन ये कहाँ पर कहा गया है कि जी आपने काम नहीं करनी आपने मेहनत नहीं करनी आप घर पर बैठेंगे और वेट कर रहे हैं कोई आएगा और क्योंकि आपने कुछ भी नहीं करना तो आके आ कोई नवाला तोड़ेगा और आपके मुंह में डालेगा और फिर आपके लिए उसको चबाएगा और आपके पेट में डालेगा और पेट को भाई आपके बॉडी के फंक्शन आप नहीं करने बाहर वाला नहीं कर सकता तो ये ये बात जो हम आज कर रहे हैं ना मुझे बहुत चुभती है तो मैं ये कह रहा हूँ ना मैंने शुरू यहाँ से किया कि हमने जिंदगी को समझा ही नहीं तो मैं आप ऐसे बहुत सारे लोग बैठ के कोशिश ये करते हैं कि लोगों को ये बताएं कि भाई जिंदगी एक इम्तहान है एक स्ट्रगल है

यानी अच्छी से अच्छी सिचुएशन में भी अप्स एंड डाउन आते हैं और खुशगवार सफर की बात करें दिए। चले दिए। हम नथिया गली की ट्रिप प्लान करते हैं दोनों भाई बहन अपनी फैमिली के साथ रस्ते में कितना भी हम लोग अपने आप को वो रखें कोई ना कोई इश्यू ही जाता है कोई ना कोई शोकर टायर पंचर हो गया या जाते हुए कोई इशू हो गया या जिस जगह पहुंचे हमें वहां पे ठहरने की अच्छी नहीं जगह लगी लेकिन वो सफर तो खुशगवार है ना उसमें हिकअप्स आए मोमेंट्स आए हैं, हैं प्रॉब्लम के वो मोमेंट आपकी सारी जिंदगी नहीं बन सकते ऐसे ही ऐसे ही है तो हमने जब भी किसी चीज रास्ते पे चल चलना है वहां पे मैंने जैसे कहा ना समुदर है समुद्र में आप आपको किसी ने फेंक दिया आप ये समझे जिंदगी एक समंदर है जिसमें आपको किसी ने फेंक दिया अब आप उसमें हाथ पांव नहीं हिलाएंगे आप डूबेंगे आप अगर बैठे रहेंगे कि मुझे वो बंदा आके बचा लेगा तो ऐसे नहीं होगा अगर हो भी गया तो मेरा ख्याल है वो वक्ती तौर पर होगा समंदर ने ख़त्म नहीं होना वो आखिरी सांस तक चलेगा तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक आपकी सांस में सांस है आपने कोशिश करनी है हरकत करनी है और ये चीज़ हमारे कौम को समझनी है ख़ासतौर पर जो आप कहती हैं ना कि बाकी मुल्कों में मायूसी है अच्छा बाकी मुल्कों में मायूसी के साथ कुछ थोड़ा सा ट्रेनिंग का फैक्टर इम्पोर्टेंट है मैं कह रही मुल्कों में, भी ये मसायल हैं लेकिन

आप गली में बैठे हैं आप दोस्तों में बैठे हैं माशरे में कहीं भी सॉरी टू तो से इवन मीडिया या सोशल मीडिया उस पर भी आप सुने तो आपको लगता है कि हर बंदा आपको मायूस कर रहा है स्पेशली अपने मुल्क से कि हाँ हर चीज़ ख़राब है ऐसे है वैसे अच्छा ऐसे नुकसान क्या है कि अक्सर लोग गिव अप कर देते हैं अब क्या है किसी बंदे को अपना काम करना चाहें तो सिर्फ एक काम करें कि वो उसे बता दें कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो गिव इट आप और यहाँ पे हमारा मसला ये कि हमने इंजेक्शन लगाए हुए हैं एक दूसरे को मायूसी के और कोई मसला नहीं अच्छा कि अगर एक बंदा कह रहा है कि हम बल्कि कुछ दिन पहले भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि एक बंदा कहता है कि यार मेरे से ये नहीं होता आपका क्या काम है आपका क्या काम है जो सुन रहा है ये बात आपका काम है अगले को कहना बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कोई भी चीज़ ओवर नहीं है जब तक हम मरते नहीं है बिल्कुल सिंपल बात है मैंने भी शुरू में भी कहा कि मौत के अलावा किसी भी चीज़ कोई ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है टफ टाइम्स आते हैं मुश्किल वक्त आते हैं आप गिव अप नहीं कर सकते रिश्तों पर अप नहीं कर सकते दोस्ती पर अप नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी जिंदगी पे इन जनरल गिव अप कर सकते हैं आप सेहत पे गिव अप नहीं कर सकते हमने ऐसे लोग भी देखें कि भाई वजन बहुत बढ़ गया तो चलो छोड़ो वॉट एवर लेट बी अब बढ़ गया तो मज़ीद और बढ़ने दो ओ भाई उधर से अपने आप को अब वजन इसलिए नहीं कि बंदे का मोटा या पतला या फैट शेम है वजन की मैं इसलिए बात कर रही करी हूं। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं उनकी हेल्थ खराब होती है वेट ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से और हेल्थ प्रॉब्लम्स बनती है मजीद फिर और अपना वेट गेन कर लेते हैं और बिस्तरे पे पड़ जाते हैं और फिर अपनी आखिरी की तरफ आ, अपनी लिटरली एंड की तरफ अपने आप को ले जाते हैं बिल्कुल सही ये देखना आपने जो बात की है सुस्ती की कि काहिली मेरे नज़दीक ना हमारा मजहब भी और कहीं भी कोई भी दर्श नहीं देता कि आप गरीब रहें आप आपबत के अंदर फंसे रहें कोई भी दर्श नहीं देता हमने करना यह है कि हमने चाहे हम गरीब हैं चाहे अमीर हैं चाहे जिस माशरे में जिस मोहल्ले में जिस घर में रहते हैं हमने हमेशा अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है। और उसी में ही आगे ना आपको हमारे भाई एक दफा आप ना काम होंगे दो दफा उसी चीज में ना काम होंगे एट समूला तो समझ जाएंगे ना कामयाब होने वैसे, का आपने बस हाथ चलाने आपने तैरना है लेकिन पागलपन की डेफिनेशन ये है आप बार बार चीज को उसी अंदाज से करते चले जाएं और रिजल्ट मुख्तलिफ एक्सपेक्ट करें इसके साथ ये बात भी अंडरस्टैंड करनी है कि भाई अगर आपने एक दफ़ा पटरी पे ऐसे चल के देखा क्रैश कर गए नहीं से आप मामला हाल हो पाया तो दूसरी तो डायरेक्शन में जाके देखें तीसरी देखें चौथी देखें हाँ। देखे, सौ डायरेक्शन ट्राई करें अंटिल आप हाँ। कामयाब हो हाँ, हाँ वही चीज़ बार बार करते रहेंगे बिल्कुल मैं अक्सर ये कहता भी हूँ लोगों से और खुद भी समझता हूँ कि स्पोर्ट्स में आप देखें ना जो बहुत ज़्यादा कामयाब

देखिए स्पोर्ट्स में अक्सर ऐसा होता है कि एक ब्रिलियंट प्लेयर जो है वो बड़ा बुरा परफॉर्म करता है भाई शायद वो एक माइंडसेट के साथ गया और अगला बंदा दूसरे माइंडसेट के साथ देखे आया देखे और उस उसपे उस यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे मसला हमने एट लेंथ डिस्कस कर लिया और अपने गिले शिकवे भी शेयर कर लिए हमने अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा इस मुल्क में और इन जनरली देखी जाती है मसला ही डिस्कस होता चला जाता है हल की तरफ कोई नहीं जाता सो so, नाउमीदी से कैसे निकला जाए इसको अवॉइड कैसा किया जाए और यूथ में जो हल्का फुल्का हाथ मार के एक मिनट में कहते हैं कि जी अब मैं कुछ नहीं कर सकता मुझे नौकरी नहीं मिल रही मैं कुछ नहीं कर सकता आई गिव अप इसका क्या हाल है ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक वीवर्स हम बात कर रहे हैं उम्मीद की ना उम्मीदी को हमने पिछले सेगमेंट में छोड़ दिया अब बात करते हैं उम्मीद और उम्मीद की किरण की हमारे साथ वी आर एंड डायलॉग विद तसद इलानी साहब मोटिवेशनल स्पीकर टीवी एंड मीडिया एनालिस्ट स्पीकर एंड मॉडरेटर एट इंटरनेशनल एंड नेशनल फोरम्स कॉपरेट सेक्टर में भी माशाला बहुत काम करते हैं और कॉपरेट ट्रेनर भी हैं जी सर देखें जो आपने बात की ना कि हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बार 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 डिस्कस करते हैं आप पूरा मीडिया सोशल मीडिया उठा के देख लें उसमें आ, सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस होता है सोल्यूशन नहीं होता तो आमतौर पर ना मैथमेटिक्स का रूल है कि आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एक दो लाइनर होती है और उसके बाद जो एटी परसेंट टाइम वर्किंग होती है वो सोल्यूशन पे होता है तो हम मेरा ख्याल सोल्यूशन की अप्रोच पे अब जाना चाहिए एज अ नेशन बाय द वे जब आप

जिसमें हम आए आएँ हमारे लिए कोई ना कोई टारगेट रखा है मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोग बिला मकसद तो आए नहीं हमें ये नहीं समझ नहीं आ रहा मकसद क्या है तो हमें ये समझना है कि मुझ में क्या ऐसी सलाहियत है मतलब क्या मेरी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है या हो सकता है मैं स्पोर्ट्स को अच्छा समझता हूँ मुझे हम सबको एनालाइज़ करना चाहिए कि मेरे अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है सबसे पहली बात ये दूसरी बात ये जो क्वालिटी आपको पता है उसके हिसाब से आप एक अचीवेबल गोल ज़रूर सेट करें अपने लिए अब आप एक, एक देखें कि आपने किस जगह पहुँचना है और वो गोल कोई छोटा मोटा नहीं होना चाहिए वो जितना आप बड़ा सोच सकते हैं उतना सोचें है। उसके बाद आपने उसके उसके लिए प्लान बनाना है कि आपके पास क्या है टू अचीव दिस और क्या नहीं है जो नहीं है उसको आपने इकट्ठा करना है वो ट्रेनिंग भी हो सकती है वो इमोशनल इंटेलिजेंस की मैनेजमेंट भी हो सकती है एंगर मैनेजमेंट जैसे आप कहते हैं कुछ और चीज़ें भी हो सकती सो देर इज़ अ मिसिंग पीस ऑफ पजल जो आप कनेक्ट करते जाएंगे लेकिन आप यहाँ रुक के वहाँ नहीं पहुँच सकते तो आपने याद रखना है कि जैसे ज़िंदगी लम्हा बह गुजरती है इसी तरह आपने कदम ब कदम आगे बढ़ना है रुकना नहीं है स्ट्रगल करना है मेहनत करना है डायरेक्शन का पता हो डायरेक्शन नहीं पता तो फिर मसला है लेकि लेकिन लेकिन डायरेक्शन भी पता होती है कभी कभी ये यंग लोगों के साथ बहुत होता है एक दफ़ा ट्राई की जॉब के लिए बड़े हाथ पाँव मिलने में मारे एक नौकरी मिल गई अच्छा वो दो तीन महीने के बाद आपको जॉब से निकाल दिया गया या नहीं कंटिन्यू हुई यंग लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं जी हमें ना एक तो पहले नौकरी नहीं मिली और जब मिली तो वो भी चली गई हाथ उठा देते हैं और कहते हैं आई गिव अप और बहुत से लोग ये भी कहते हैं जैसे कि बिजनेस के केस में जैसे कि मुझे भी एक दो लोगों ने कहा कि भाई तुमने एक दफ़ा करके देख लिया ये काम तुम मैं तुमसे बिज़नेस नहीं चलाया जाता तो ना करो फिर सो so, इसके बारे में भी गाइड करें कि जब हर बंदा इर्द गिर्द का कह रहा था है कि छोड़ दो ना फिर इस चीज़ को ना करो इसको अच्छा बेसिकली ना दो, दो बातें हैं पहली बात तो ये है कि हम लोग हमारे यंगस्टर्स आमतौर पे ना वो ये समझते हैं कि जो मुझे फेवर दे रहा है वो मेरा दोस्त है मैं कहता हूँ ये है ही गलत जो आपको टफ टाइम दे रहा है जो आपको कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो तब ये ठीक होगा वो आपका दोस्त है अच्छा यहाँ पे अक्सर लोग फिल्ट लोग फ़िल्टर आउट हो जाते हैं फेल हो जाते हैं दिगे बाप कि नहीं मुझसे ये नहीं होता बट इसको मुश्किल है जॉब में भी सक्सेसफुल होना है तो मुश्किलों से गुज़रना है काम करना है नई चीज़ सीखनी है तो ये एक तो ये कॉन्सेप्ट यंगस्टर्स ने ठीक करना है कि जो मुझे साथ बिठा कर खैर है कोई बात नहीं ना करो कल कर लेना वो मेरा दोस्त नहीं है मेरा दोस्त कोई और है दूसरी बात जो आपने की कि अगर आप फेलियर हो रहा है बिज़नेस में देखें मेरा एक कुलीग था लेबनीस Uh, उसको ना पाकिस्तान में भेजा गया एक प्रोजेक्ट के लिए वन आई वॉज इन अब्रॉड तो उनको यहाँ भेजा गया उस जालिम के बच्चे ने ना यहाँ पे कोई 200 मिलियन का नुकसान कराया 200 मिलियन मिलियन का नुकसान कराया उस दौर में मिलियन में और दे मैं, मैं बात रुपीस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैं डॉलर जी की मैं डॉलर्स की बात कर रहा हूँ कि वहाँ से तो वो बंदा जब वापस गया ना यहाँ से कुछ साल बाद या तो उसने कहा सॉरी मैं अब ना मुझे कोई प्रोजेक्ट ना देना तो उसके बॉस ने से कहा कि सॉरी अब हमारी तुम पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अब हमने 200 मिलियन लगाए हैं तुम पे अब तुम जो सीख के आए हो वो यहाँ में प्रेजेंट करो एंड देन वी फाइंड अ वे फॉरवर्ड जो आपको लोग बताते हैं ना वो उनके पास वक्त नहीं होता आपको गाइड करने का वो कहते हैं अच्छा नाकाम हो गए ये नहीं थी का क्यों नाकाम हो उसका एनालिसिस करो मैं क्या आपको यही किया? तो कह रही हूँ मैं मेरे मैं अभी जो शुरू में इनके साथ यही व्यूअर्स के साथ डिस्कस कर रही थी कि आपको पता है कि क्लोदिंग लाइन की उसमें फ़ेल हो गई प्रोडक्शन की उसमें फ़ेल हो गई बहुत सी चीज़ें की जिनमें मैं नहीं कामयाब हो सकी फिर रियलाइज़ किया कि देखो ये बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों के साथ अपने आप को सराउंड करते हैं आपकी कामयाबी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होती है अब जैसे कि अब अगर कभी प्रोडक्शन की तरफ जाऊँ तो वो प्रोडक्शन में मे बी एज एन इन्वेस्टर आ जाऊँ लेकिन प्रोडक्शन मैं खुद नहीं कर रही right. क्यों क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि वो जो एक एक चीज़ को चीची बीची में इन्वॉल्व होकर करना है वो मेरे मिजाज की

ज़ाहिर है बता डिसीजन मेकिंग करते ना बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचता बाजू का कि मेरे अंदर कुछ स्किल सेट है वो मैच करता है उस डायरेक्शन में जो कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ राइट या मेरा जो मिजाज है क्या मुझे उस चीज़ से खुशी होती है या मैं अपने आप को सिर्फ मुशक्कत में डाल रहा हूँ इसको इस उसको देखे कि यार वो इतना अच्छा कर रहा है राइट तो आपने सबसे पहले दो तीन चीज़ें वैल्यूएट करनी होती हैं कोई भी काम करने से पहले कि आपको इससे मज़ा आ रहा है आपके अंदर वो स्किल सेट है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायरेक्शन आप करना चाहती हैं क्या आप लोगों को वाकई अपना काम जो आपके जेन में है वो करवा सकती हैं ये तो नहीं कि वो आर्टिस्ट माइंड कर दिया आपने नहीं नहीं अब ठीक है जो जैसे कह रहे हैं वैसे कर दो सो यू हैव सम यू नो स्किल सेट राइट तो जो भी आप फेलियर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम

उस रब के वस, उस रब ने तुम्हारे लिए वसीले क्रिएट किए बिल्कुल ऐसे ही है अब देखिए मेरे नज़दीक ना पता नहीं अब वो कित किस हद तक लोग उसको समझ पाएंगे लेकिन आपने कभी फ़्लो चार्ट देखे कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो या कोई प्रोजेक्ट प्लान हो ना उसमें फ़्लो चार्ट होता है उसमें ये होता है कि जी ये काम करना है उसके बाद इसका रिज़ल्ट यस में आए तो इस डायरेक्शन में जाना है उसका एक अपना प्रोसेस है नो में आए तो इस डायरेक्शन में जाना है उसका अपना एक प्रोसेस है राइट तो मेरे नज़दीक ना वो उसने भी खुला छोड़ दिया उसने कहा कि ये आपके पास है अब आप यस करेंगे तो ये डायरेक्शन है नो करोगे इधर जाओगे पता उसको सब कुछ है क्या है लेकिन अब आपने डिसाइड करना है कि आप उस डिसीजन बॉक्स के अंदर यस या नो चूज़ करते हैं या नहीं करते यस करते हैं या नो करते यस करेंगे तो उसकी एक डायरेक्शन नो करेंगे तो डायरेक्शन तो इसलिए हर चीज़ तकदीर पे डाल देना मेरा ख्याल है थोड़ी ज्यादी है दूसरी बात तकदीर क्या है अब मैं यहाँ से पानी का गिलास पीना चाहूँ मैं इसकी तरफ हाथ ना बढ़ाऊँ और मैं कहूँ ये ख़ुद ब खुद मेरे

उन चीजों से निकल के आपके सामने आए हैं तो उम्मीद की बात कर रहे हैं ये नहीं है कि पैदा होते कौन सा बंदा ऐसा है जो पैदा हुआ सुकून की जिंदगी में और आखिरी सांस तक बस वो ईजी ही रहा फर्क सिर्फ सोच में होता ये, है, ये ये है अमीर कि... से अमीर इंसान भी तकलीफ से गुजरता है बिल्कुल, और हमारा मुस्तक से मुस्तक इंसान जो है वो सुरखरू भी हो जाता है माइकल जैक्सन कितना अमीर था कितने डिप्रेशन में था मसला मसलात या गर, गुर्बत का नहीं है मसला सिर्फ इस चीज़ का है कि आपने एक हर्डल को बूर करना ही करना है वो हर्डल है आपके सामने तो जो लोग ये समझते हैं कि हमारे सामने हर्डल आए ही ना वो मिसफिट हैं उनका माइंड गलत है उन्होंने उसको समझना है जैसे आपने बात की क्या स्ट्रगल आप अपनी हिस्ट्री देख ले हम अपनी हिस्ट्री सारे लोग जो यहाँ बैठे भाई, भाई मैंने लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में अक्सर 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ या 18 साल की उम्र से काम कर रही हूँ हंसी का फिट पड़ जाता है पहला काम जो मैंने किया था वो फोर्टीन ईयर्स की थी मैंने ये पीटीवी पे ही एक एक वो फोर्टी वो फोर्थ इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल हुआ था उसकी होस्टिंग की थी पहला मुझे ज़िंदगी का चेक तब मिला था पता नहीं वो चेक कहाँ है मुझे तो नहीं मिला अब मां आ गए होंगे बुरी बात है लेकिन चले जो उसके बनता है, है। साहब अब वो मुझे कम से कम कोई दे दे तो मेहरबानी होगी देखें नाउमीदी दामन नहीं पकड़ना लेकिन आ, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना उम्मीद तो रख सकते हैं खैर आई रिमेंबर इतना काम किया इतना काम किया कभी कभी उस वक्त के बारे में सोचती हूँ तो सोच के थक जाती हूँ यूज बीस बीस घंटे यानी कि एक यूनिवर्सिटी भी फुल टाइम अटेंड कर रही हूँ और उम्र भी देखे सत्रह साल मेरे इर्दगिद के बाकी स्टूडेंट्स नाइनटीन मतलब 18 के थे ज़्यादातर बट 19, 20 ट्वेंटी मेरी एज छोटी ऑन टॉप ऑफ दैट घधों की तरह काम करी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में ही काम करती थी ऑन कैंपस वर्क स्टडी प्रोग्राम में थी उनसे रिक्वेस्ट ली कि चार घंटे दिन के नहीं मुझे आठ घंटे दिन के काम करने दे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि आठ घंटे डेली आपने यूनिवर्सिटी क्लासे की क्लासेस अटेंड की आठ से नौ घंटे फिर आपने आठ घंटे जॉब की उसके बाद आपने जाना भी है आना भी है यानी कि घंटा घंटा आने जाने का क्योंकि जहाँ मैं रहती थी मैं तो सस्ती जगह पर रहती थी ताकि यूनिवर्सिटी मुझे यू नो दूर रहो यूनिवर्सिटी तो सस्ता होता है तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ट्रैवलिंग के मेरे ढाई तीन घंटे होते थे डेली के आप खुद हिसाब लगा लें बहन ना आपके सामने बैठी हुई आठ घंटे आठ घंटे सोलह वो तीन से चार घंटे बीस घंटे काम करती थी और नींद डेढ़ या दो घंटे की मैक्सिमम पूरी होती थी

और मेरी मेहनत जो है वो कुछ हद तक रंग जरूर लेके आई। देखें अगर आप सिर्फ पढ़ के वापस आ जाती हैं तो शायद वो उस स्केल की कामयाबी ना मिलती तो देखें मैं अक्सर सोचता भी हूँ कहता भी हूँ कि आपको क्वालिफ़ाई करना पड़ता है फिर जाके कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपको वो मुकाम देते हैं जो आप लेना चाहते हैं तो क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी अगर कोई जितनी बड़ी हिस्ट्री हमने हम लोगों की जो कामयाबी है उसको ग्लैमराइज करते हैं उससे इंप्रेस होते हैं ये नहीं देखते उसके पीछे कितनी थकन कितनी मेहनत कितने फेलियर्स कितनी मायूसियाँ कितना गम कितना दुख है ये हम नहीं देखते तो अगर कोई ये अपने आप पे तर्स खा रहा है ना कि मुझे बहुत गम है मेरी बड़ी परेशानी है मेरा ख्याल है वो अपने रहा है अपने ऊपर मत तर्स खाएं। सो वॉट इज़ योर टेक अवे मैं ये कहूँगा जी कि आप अगेन ये समझें कि मैं जैसे मैंने कहा कि मत तरस खाएं अपने ऊपर कि आप बहुत मजलूम हैं आप बिल्कुल मजलूम नहीं हैं अल्लाह ने अगर आपको भेजा है तो अपनी सारी एबिलिटीज़ और वसायल दे के भेजा है जिस जगह भेजा है बेहतरीन जगह भेजा है अगर आप उस जगह से आगे जो रास्ता है उसको मुसलसल मेहनत के साथ गुजारेंगे

आप तो मेरे तो एक में है ना। तो जितनी मुश्किल मुश्किल उतनी कामयाबी अगर आप नहीं सह सकते आपकी ऑप्शन है ना सहें फिर कामयाबी की भी ना करें अगर आप मुश्किलें सह सकते हैं मेहनत कर सकते हैं तो कामयाबी की तो भी जरूर करें तो देखें ना वो जितना जितना मुश्किल था उसका उसकी लाइफ उतनी ही उतना ही बड़ा नाम है आज आप मिसाल दे रहे हैं हम मिसाल दे रहे हैं उसकी

आ, किसी महाज पे जाएं अगर लड़ने के लिए जाएं और आप कहें जी मुझे अब ट्रेनिंग नहीं करनी मुझे टफ़ नहीं बनना मुझे आ, सीखना नहीं है ज़्यादा लेकिन मैं जाके कामयाब हो जाऊँ ऐसे तो नहीं होता तो किस मुश्किल ट्रेनिंग से आपको गुजरना पड़ता है इसी तरह ज़िंदगी में भी जितनी मुश्किल ट्रेनिंग होगी उतनी इंशाल्लाह आगे रिजल्ट्स आएंगे लेकिन आसानियाँ मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आप समझें कि आसानियाँ मिल जाएंगी आसानियाँ बांट सकते हैं लेकिन आप को हर लम्हा स्ट्रगल करनी है मेहनत करनी है और उम्मीद के साथ करनी है क्योंकि उम्मीद नहीं होगी तो अगला कदम नहीं उठाएंगे मेहनत नहीं करेंगे और वहीं फेलियर है थैंक यू सो मच सर प्लेजर एंड एन ऑनर एक तो आप हमारे सीनियर एंड इंडस्ट्री एज अ एनलिस्ट ऐसा वन हु मतलब आपने हमें नेशनली नहीं इंटरनेशनल फोरम्स पर भी रिप्रजेंट किया है हमारे लिए हमेशा बहुत बड़ा ऑनर होता है आपको बुलाना और उसके साथ साथ देखिए कामयाब इंसान को बिठा के जिसका मुझे पता है कि वो बड़े टफ़ टाइम से भी गुजरा हुआ है उससे उसके एक्सपीरियंस की बात करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन किसी ऐसे बंदे से बैठ के बात करें जो जाहरी तौर पर किसी टफ टाइम से नहीं गुजरा सो द पॉइंट इज याद रखें व्यूअर्स इट इज़ नेवर टू लेट लास्ट आखिरी सांस पे भी अगर चल रहे हैं ना तो तब भी उम्मीद है हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है व्यूअर्स और यही बात बीमारी को अप्लाई करती है हमने बीमारी के टॉपिक को ऐसा सच नहीं इसलिए टच किया बिकॉज वो फिर एक टोटली डिफरेंट एरिया और फोरम हो जाता है लेकिन बीमारी का भी यही है हमने लोगों को अल्लाह माफ़ी दे फोर्थ स्टेज कैंसर डॉक्टरों ने जवाब कर दे दिया कहा पैलेटिव केयर पर इनको डाल दें और ऐसे लोग आज चल फिर रहे हैं और लोग कहते हैं कि मुआजा हो गया उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी व्यूअर्स उन्होंने अपने रब का दामन और उसके साथ साथ उम्मीद नहीं छोड़ी उम्मीद बड़ी खूबसूरत चीज है उसका दामन कभी नहीं छोड़ना ब्रेक के बाद वापस आएंगे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स नाउ उम्मीदी की तो बात हो गई लेकिन एक ऐसी चीज जो विंटर्स में हमें बड़ा हौसला देती है वो है ऑरेंजेस अब चाहे हम किन्नू की बात करें माल्टे की बात करें मौसमी की बात करें जनरली ऑरेंजेस की आज हम बात करें ऑरेंजेस के यानी कि किन्नू माल्टा मौसमी वगैरह के बहुत से फ्रूटर इनके बहुत से फ़वाद हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है क्योंकि वाइटमिन सी में बहुत रिच होता है आपके दिल के फंक्शन को बहुत बेहतर करता है बहुत से आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं सो so, आज हम बात करेंगे ऑरेंजेस की और हमें गाइड करेंगे इससे रिलेटेड तीन बहुत ही ब्रिलियंट लोग

ये भी बात करेंगे अभी हम लेकिन आपके साथ ही बैठे हैं हमारे प्यारे भाई हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद मुबारक हो होते आप, से से होगा तो तरक्की, हो <laughs> तरक्की, अल्ला, तरक्की की उम्मीद पे ही बैठे हुए ये खैर लगते हमेशा बड़े लोग कहते हैं अच्छा ये एक्टर है तो जिंदगी में मजीद और कामयाब हो जाते तो लगता है कोई एक्टर ही आपके साथ बैठा हुआ

नेचुरल कॉस्मेटोलॉजिस्ट का मतलब ये नेचुरल हर्बल ऑर्गेनिक चीजों से ये स्किन और कॉस्मेटोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं और उसके साथ साथ डिफरेंट रेमेडीज और ब्यूटी टिप्स भी बताते हैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ऑफर भैया कहती हूँ ऑनर डॉक्टर डॉक्टर डौक, साहब कहना नाम बनता है ये उल्टा हिसाब चलता है हमारा <laughs> हाँ। <laughs> तो आपको इंट्रोडक्शन का यू आर वेलकम और शुक्रिया किनु माल्टा मुसमी क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप इसको इस सीढ़ी के लिए एनर्जाइजिंग फ़्रूट कहना चाहिए क्योंकि तो इसकी खुशबू से लेके इसकी अफादियात तक सब कुछ एनर्जाइजिंग है इसमें वाइटमिन सी तो है ही है कैल्शियम भी है पोटेशियम भी है मैग्नीशियम भी है फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है वाटर बहुत ज़्यादा है तो एक कम्प्लीट अल्लाह ताला ने पैकेज दिया हुआ है सर्दियों के लिए इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है स्किन के लिए बहुत अच्छा है बालों के लिए बहुत अच्छा है तो आज मैं इंशाल्लाह इसके पील्स और इसके पत्तों से भी आपको बताऊँगा कि क्या क्या हम फ़ायदे ले सकते हैं तो उस पर फिर इन अपने काउंटर पर भी बात करते हैं हकीम साहब क्या कहती है जी हाँ माल्टी के बारे में, में अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि जो फल जिस मौसम में होता है उस मौसम के असरा से जो बुरे से सेहत पर हो सकते हैं उनसे बचाने में बड़ा मवसर होता है बड़ा फ़ायदा मंद होता है हमने देखा कि ये सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती हैं इसमें चिकनाई का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है और बड़े मुरगन गज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फिर स्पाइसिस भी यूज़ होते हैं तो ये जो हमारा औरेंज है कीनु माल्टा मौसमी जो भी हो इसके इस्तेमाल से एक तो जो हमारा लिपिड है बॉडी में ये उसको तो हमारी लिपिड प्रोफाइल को ठीक कर ठीक है। रखता है आपने देखा होगा व्यूअर्स अक्सर डॉक्टर कहता है कि जी अपनी लिपिड प्रोफाइल कराएं हाँ जी यस इसमें फ़ाइबर्स होते हैं जो अच्छा इसमें दो दोनों तरह के फ़ाइबर हैं हाल पजीर भी

और अगर आप दवाइयों से हट के जिस तरह आप लोग हैं इसीलिए तो उस तरह का नहीं बिठाया जी जी। जी जी। इसमें, इसमें जो रेशा होता है आ, हम आम पर वाइटामिन सी की बात करते हैं किनू के या के से इसमें बी वन टू थ्री बी सिक्स वाइटामिन बी भी होते हैं इसमें कैल्शियम भी होता है ये ख़ास तौर पर जो बच्चों में या किसी भी उम्र में विटामिन सी की जो कमी होती है जिसे सकर्रवी एक डिज़ीज़ कहते हैं उसमें इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा मंद है और ख़ास तौर पर जो कैल्शियम की इस्तेमाल की ज़रूरत होती है जिन लोगों में और साथ वो विटामिन डी का कोई कंपाउंड ले रहे होते हैं वो अगर ये इस्तेमाल करें तो जो कैल्शियम की बॉडी में एबजॉर्बेशन वो बहुत बेहतर हो जाती है ये और जो जल्द पर असरा पैदा होते हैं सर्दी खुश्की के जो सर्द मौसम में आपने तिब के एतबार से बताया तो ये चूँकि साइंटिफिकली तो वाइटामिन सी की वजह से स्किन के और एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें वाइटामिन सी की वजह से तो ये इसके ये आपको बहुत सारे जल्दी अमराज से आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखता है क़ुत मुदाफ़त को ठीक रखता है जो सीजनल तब्दीलियाँ होती हैं उसकी वजह से उस, exactly. uh, जी हाँ

आपके नजर में किन्नू की क्या इंपोर्टेंसम हाँ। हाँ। तो साहब कह रहे थे मैं इन्हीं से बात करती हूँ बहुत पुराना फ्रूट है बहुत पुराने जमाने से आप पुरानी पिक्चर में देखे उनमें भी ऑरेंजेस बने हुए हैं तो अब आप उसका ये किसी वजह से ही इतना पॉपुलर होते होते इसको डेवेलप किया और शुक्र अल्लाह का कि हमारे पंजाब में इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है हमें हर तरह का फ्रूटर जो अब कम मिलता है आ, कम हो गया था लेकिन अब फिर से लोगों ने उस पर शुरू किया काम और ये ऐसा है एक पौधा और एक ऐसा फ्रूट है जो हम अपने घर में आसानी से उगा सकते हैं आप पाँच पाँच फुट के फ़ासले पे इसके दरख्त लगा सकते हैं जिन्होंने ग्रीन बेल्ट अपनी बनाई है क्या सामने घर के जगह पे मौसमी पौधे लगाते हैं उसकी जगह ये लगाएं दी बेस्ट है जब अब हम आते हैं इसके इस्तेमाल पे हम लोग आ, अपने बच्चों को हमेशा शुरू से ही जैसे सर्दियाँ शुरू होती थी तो ऑरेंज से बनी चीज़ें और ऑरेंज खिलाना शुरू करते थे ये रेड ब्लड खिलाना ये जूस का कॉन्सेप्ट इसलिए इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि पहले लोग आते थे पानी का ग्लास पिलाया जाता था अब हर किसी को होता है कि भाई कुछ ना कोई कोई ड्रिंक सर्व करनी चाहिए तो सॉफ्ट ड्रिंक हमको लगता है बेहतर ऑप्शन है तो किन्नू का जूस पिला दो तो बाकी सारा का सारा जो उसका सामान है वो ज़या हो गया। जाया हो जाता हम उनको खिलाया करते थे ये नहीं है कि हमारी मदर्स ने भी हमें किन्नू छील के कहना खाओ और ख़ुद से छील लो इसके खुद से छीलने के भी बेनिफिट्स हैं इसके जो छिलकों में खुशबू आती है जो इसके जूसेस छिलकों के निकलते हैं आप अपने हाथ पे लगा के देखें थोड़ी देर तक नमी रहती है आपके हाथ में और उसकी खुशबू से आपको जैसे हम स्टीम लेते हैं जुकाम में वही काम ये छिलके हमारे लिए करते हैं जब हम छील रहे हो और हैं। आपा लोग कितने महंगे महंगे जी जाके वाइटमिन सी सीरम खरीदते हैं जी और वो हमारे हाथ में होता है वो आपके हाथ में होता है और हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे होते आपसे घर पे घर वाली चीज को लगा लगो के कूड़े में फेंक देते हैं मतलब उसको खा खो के जो भी उसका करना होता करके उसको सुट दिया और बाजार से जाके जी बिल्कुल उससे कई गुना ज्यादा महंगी चीज खरीद के उसको यूज ये जो ड्राइनेस है ना स्किन ड्राइनेस इसके लिए दी बेस्ट है जैसे आप लोग किन्नू का एक किन्नू खाया आप उसके छिलका को मैश करके चेहरे पे लगा लें आपकी मॉइस्चराइजर भी हो जाएगी आपकी स्किन आ, पे एक विटामिन सी का वो सीरम लग जाएगा थोड़ी देर बाद आप मुंह धो लें और इसकी खुशबू इतनी प्यारी और अच्छी होती है दूसरी बात यह कि जब हम किन्नू खाते हैं इसके छिलके जो हैं ये कई तरह से हिकमत में इस्तेमाल होते हैं प्लस मैं आपको घर की बात बताती हूँ जैसे हमारे यहाँ हीटर चलता है तो मैं क्या करती हूँ एक स्टील की प्लेट में उसके छिलके रख देती हूँ वो हल्के हल्के सुलगते रहते हैं पूरे घर में उसकी खुशबू भी होती है और उसकी वजह से ज़ुकाम खांसी नहीं होता क्योंकि उससे ऐसी चीज़ें आती मिलती हैं रोमा मिलता है कि ज़ुकाम और खांसी ठीक हो जाता है अब मैं आपको एक इसके बताऊं बेनिफिट कि छोटे बच्चों को हम शहद में पूरा एक किन्नू का प्लम के साथ मैश करके और उसमें हनी डाल के उनको चटा देते हैं तो खांसी नहीं होती है बच्चों को अब मदर्स कहती हैं जी किन्नू ठंडा है ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਕੋ ਇਸਕੋ استعمال ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਚਪਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਨੂਰੋਗ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੂਤੇ ਮਦਾਫੀਤ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਨੂੰ ਕੂਤੇ ਮਦਾਫੀਤ ਕੋ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਐਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਟਾਓ ਨਾ। भाई वो सबसे है इस उसका लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका अच्छा मैंने अब आपको बताया कि जैसे यूरोप में ठंड भी बहुत होती है और वहाँ पे क्रिसमस के सिलसिले में बाद जूसेस हो रहे होते हैं बड़ों के जूसेस होते हैं एक बच्चों के होते हैं बच्चों के जूसेस मुझे बड़े मजे के लगे कि उन्होंने क्या किया कि ऑरेंज में जैसे तीन चार कप ऑरेंज जूस ले लिया उसमें पल्प उसके अंदर से खोद के डाले उनको उबाला दिया और उसको ये गरम गरम पीना है बड़ा ही मजे का लगता है इसमें आप थोड़े से सिमंड डालें थोड़ा सा हनी डालें और अपनी गिलास में सर्व करें और ऑरेंज

तो ये छोटी छोटी चीज़ें रेमेडीज़ अगर हम अपने घरों पे करेंगे तो हम उन कफ़ सिरप और मेडिसिन से बचे रहेंगे तो ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे इरम आपा ने भी बहुत इंटरेस्टिंग हमारे साथ चीज़ें शेयर करनी हैं डॉक्टर फैसल तो कोकरोड़ चीज़ें लेके आए हैं आज हमें बताने के लिए क्विक क्विक वो भी बताएंगे हकीम साहब भी अपने एंड पे उबटन एक ऐसी चीज़ जो सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और करनी भी चाहिए क्योंकि वो आपकी डेड स्किन के लेयर्स को उतार देती है देन शरबत पेस्ट कैवा इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे और बल्कि आपको बनानी खाएंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं हम लोग बात करें ऑरेंजेस की या किन्नू की या मल्टे की फ्रूटर की जो भी आप यूटिलाइज करना चाहें जनरली सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आपको पता है किचन में भी मामलात चल रहे हैं किचन में चले कुछ दो लम्हे बाद हम नज़र डालेंगे अभी पहले ज़रा हम किन्नू के ऊपर बात कर लेते हैं मजीद अच्छा तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू कर लेते जी कर लेते हैं हाँ जी क्या बनाना सिखाएंगे आज हमें ऑरेंज से अभी विटामिन सी सीरम की बात हो रही थी तो एक आपको इसका बहुत ही अच्छा सा होम रेमेडी बताता हूँ कि घर में आप कैसे इसका सीरम कम मास्क बना सकते देखिए हर रोज अगर जिन जो खाते हैं किन्नू शौक से हर रोज घर में किन्नू हैं साहब तो डेली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं बिल्कुल ऐसी हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इसके लिए हमें चाहिए यह है ऑरेंज का जो फ्रेश पील्स हैं उसका पेस्ट बना लिया यानी कि जो असल जो 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 फ्रेश किन्नू है ना जैसे कि ये हमारा छिलका है किन्नू का ठीक है। इसी को आपने ग्राइंड कर लिया इस शेप में लिया पेस्ट आपने है चलिए मैं आपके मिक्सिंग करती हूं इसमें डाल दूं डाल दीजिए अच्छा हाँ पूरा डाल दें अच्छा फिर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ये है अब इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सूखा दूध सूखा दूध ठीक है जी और तकरीबन एक ही टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर ले लीजिए या कॉफ़ी ले लीजिए जो भी अवेलेबल ठीक है इसको आप मिक्स कर लीजिए और इसको 15 से 20 मिनट के लिए पूरे फेस पे लगा के छोड़ दें एज़ ए मास्क तो ये आपको क्या करेगा कि वाइटामिन सी की तमाम खसूसियात मिल जाएंगी जो सूखा दूध है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा

तो ये आपको रिज़ल्ट भी अच्छा देगा तो ये तकरीबन तो पंद्रह से बीस मिनट के लिए छोड़ें डेली लगाएं कोई मसला नहीं है आपकी झाइयाँ भी ख़त्म होंगी ओपन पोर्स ख़त्म होंगे डेड स्किन उतरेगी आपकी और इंस्टेंट आपको जो है ना एक रिजल्ट जैसे थकी हुई स्किन होती है ना वो डल स्किन जो उनौर फ्रेशन अप हो जाएगी सही नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि आप ऑरेंज जूस ले लीजिए ठीक है ठीक है अच्छा औरेंज जूस में जो उन हमने डालना है ये मेरे पास है औरेंज पील पाउडर ठीक है कितना कोई इसका पेस्ट बनाना है हमें ठीक है ऑरेंज जूस है साथ ही ऑरेंज पील पाउडर है ठीक है पूरा डाल दो जी डाल दीजिए और ये जो है हमारे पास ये सफेदा काशकर ठीक है ठीक है इसको भी डाल दीजिए पूरा अब ये भी हमारा एक पेस्ट बन जाता है ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको सन टैनिंग हो जाती है ये धूप में हम बैठते हैं ना सर्दियों में तो थोड़ी एहतियात कम करते हैं तो जिनको हो जाती है उनके लिए बेहतरीन चीज़ है हाथों के 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 लिए 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 स्किन को एक दो टोन लाइट भी करता है तो जब ग्रेजुअली आप इसको लगाते जाते हैं तो आपकी स्किन जो वो ब्राइट होने के साथ साथ थोड़ी सी वाइट साइड पे भी चली जाती है हम गोरा तो नहीं कह सकते लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी सी फ्रेश हो जा, हो जाती जाती है 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 टोन क्लियर भी ब्राइटन भी, हो जाती भी बिल्कुल ऐसी ठीक है? है अच्छा एक चीज हम किचन में अगर बनवा सके तो बना लेते हैं उसके लिए हमें जो सा है उसमें हम ऑरेंज पील्स डालेंगे और साथ लीव्स डालेंगे इसका बनाएंगे हम कहवा ये कहवा आज आप तीनों ने हमें बनाना सिखाना है तो ये कहवा जो है ये मैं अभी चूल्हे पे रख देती हूँ बनने के लिए थैंक यू हमें ये मिल गया और हमारी डिजर्ट बल्कि आप हमें ये भी बता दें कि आपने किचन में नूर जी क्या क्या तैयार किया है तो हम ये, तब तक अपना ये वाला काम दही बल्ले रेडी हो हैं साथ इसके ये गार्निशिंग है पापड़ी वगैरह और हमारा फ्रूट फ्रूट क्रंच ये भी वंडरफुल तो हमारा खाना भी तैयार है और साथ में अब ये देखें जैसे कि उन्होंने मुझे कहा कि एज इट इज आपने किन्नू के जो छिलके हैं हाथ से ही ब्रेक कर दें उसको अंदर डाल दें इसमें टेनिया भी हैं और इसमें पत्ते भी हैं अच्छा अब इसको करना क्या है बस उसको बॉईल करना है इसको हमने? बस इतना बॉईल करना है कि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत पकाना नहीं है दूसरा तरीका ये है कि इसको गिलास में डालें और खोलता गर्म पानी उस पर डाल के दम दे दें तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको डिप्रेशन होता है जिनको नींद की कमी है जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है क्योंकि एकदम आपका मूड बढ़ाता है एलिवेट करता है सब डिप्रेशन के लिए जो है ये बेहतरीन और शानदार चीज़ है जी जी नेक्स्ट पील्स जो उनसे है ना वो हमेशा आपके डिप्रेशन को ख़त्म करती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल्स एसेंशियल ऑयल्स होते हैं इसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे एक हम टीस्पून लेंगे सिर्फ ऑरेंज जूस की और उसमें हम ऑरेंज का एसेंशियल ऑयल डालेंगे ऑरेंज का एसेंशियल ऑयल ठीक है ये आप अपने सिर्फ टेम्पल्स पर लगाएंगे यहाँ पेशानी पे ठीक है ठीक है दो से तीन, तीन ड्रॉप्स उनसे एसेंशल ऑयल का डालेंगे इसको आपने सिर्फ ये टेम्पल्स पे लगाना है रब करना है अगर आपके सर में दर्द है आपकी तबीयत में जैसे नोज़िया होता है या ट्रैवल सिकनेस होती है उन सब चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत आइडियल सी एक रेमेडी तैयार हो है ठीक है सो और कुछ मज़ीदी सर अब हम सलीम साहब के पास आ जाते हैं जी, जी, जी सर आप हमें क्या बनाना आ, सिखाएंगे बस एक तो ये है कि आप तो लौन लौन पूरा लॉन लून पुट के ले आए हैं पूरा जी हाँ। एक तो किन्नू का ऑरेंज का हर चीज इस्तेमाल होती है इसमें और मेडिसिनली आज हम दो तीन चीजें एक तो जिनको हजम के मसाइल होते हैं और वॉमिट बद हजमी डकार इस किस्म के मामला होते हैं ना उसके लिए ये पुदीना और इसके ऑरेंज का छिलका ठीक है ठीक है इसको पानी में जस्ट बॉयल कर लें ठीक है और शानदा बन जाएगा या कैवा बन जाएगा छान के इसमें अगर चाहे तो कूजा मिश्री या चीनी से मीठा करके वो पिए ना डालें तो बेस्ट है फिर भी ठीक है चीनी तो ना ही थीक थीक है चीनी तो तो कूजा मिश्री कर लें बहुत अच्छा है। ए, थोड़ा सा टेस्ट के लिए और ये जिनको हजम के मसायल रहते हैं खासतौर पर आजकल जिस मौसम में हमारी सर्दियों में चूंकि बहुत मुन गजाएं खा रहे होते हैं तो हाजमा मुतासर होता है वगैरह तो उसके लिए बड़ी फायदेमंद चीज है एक है जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जिनको विटामिन सी की कमी है ग्रोथ नशोनुमा के मसाइल हैं और कोई ज़्यादा वो दवाइयाँ शुवायाँ खान बच्चों को खाना वैसे मुश्किल होता है होते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ ये आ, मैंने इसका जूस ले कर रखे है इसका पल्प का ऑरेंज का जूस और गाजर का जूस दोनों का दो दो चम्मच और एक लाइम वाटर लाइम वाटर बड़ा घर में आसानी से बन सकता है कि वो जो चूना होता है कैल्शियम कार्बोनेट वो एक छोटी डली या एक तोला दस ग्राम एक बोतल पानी में भिगो के रखें रात को सुबह वो नीचे बैठ जाएगा जो पानी है वो लाइम वाटर तैयार है वो छान के रखें और दो चम्मच ये दो चम्मच ऑरेंज जूस दो चम्मच गाजर का जूस और पांच ड्रॉप्स लाइम वाटर के अच्छा पांच नुक्ट ड्रॉप्स अच्छा ठीक है पांच कतरे ये बच्चों को दें बेहतरीन है उसके लिए डेली दें

कैरेट मतलब इस सीजन में आपने नोटिस किया वैसे डॉक्टर साहब कि सारी वो चीजें सीजन में हो जाती है जिनमें विटामिन सी ज्यादा होती है गाजर में भी विटामिन सी ज्यादा है उसमें भी है तो आप गाजर और और इसका जूस भी पी सकते हैं मैंने ना है कि कुदरत ने ये तोहफा दिया हमें उस मौसम के जो मसायल होते हैं जो सेहत पर बद असरात हो सकते हैं उनका हल भी साथ दे दिया इन चीज़ों की सूरत में कुदरती तौर पर सही एक आप उब... नेक्स्ट स्टेप की जाएं। मैं तक कहवा लेके आती हूं जो डॉक्टर साहब ने बनाया जी, जी। तो एक भी है जो बहुत ज्यादा लोगों को जो जल्द के निखार के लिए और कहते हैं जी वो फ्रेशनेस नहीं है स्किन पे चमक नहीं है और फिर पिंपल्स और मुख्तल किस्म के मसायल का वो शिकार रहते हैं तो उसके लिए एक उपटन नेचुरल उपटन ये चमेली का तेल है अच्छा मैं इसकी तरफ एक सेकंड में आऊंगी अब ये देखें लिटरली हमने एक उबाला दिया जो आपने हमें कैवे का काम मैंने इसलिए इस, इस बोल में डाला ताकि आप इसका कलर देख सकें विद इन फ्यू सेकेंड फ्यू मिनट्स जो है वो कलर आ गया अब इसको पकाते रहेंगे तो फिर इसका फायदा आपको कोई फायदा है, भी नहीं। कम हो जाएगा और दूसरा ये है कि आपको उसकी खुशबू भी खत्म हो जाएगी बिल्कुल हाँ जी अब तो ये चंबेली ये सौ एम एल हंड्रेड एम एल ये लेंगे और इसमें कर दें हाँ जी इसको मैंने कहा बना के दिखा दी। बिल्कुल हंड्रेड परसेंट क्योंकि ये चीजें दिखाने और ये बेसन चने का आटा ठीक है।, है ये पचास ग्राम अच्छा। इसके अंदर ठीक है ठीक है और जौ का आटा बीस ग्राम ठीक है ठीक है।, है और हल्दी दस ग्राम ठीक है ठीक है ये दो चम्मच ये जो इसके ऑरेंज का छिलका है इसकी पेस्ट बना के रखी है ठीक है इसमें दो चम्मच ये हम इसमें शामिल करेंगे ठीक है ठीक है और अच्छा बेसन नहीं डाला हमने इसमें बेसन डाल दिया। डाल दिए शुरू में बेसन डाला शुरू में शुरू में शुरू में बेसन अच्छा इसमें संदल पाउडर है इसमें हमारे पास सही पाउडर सही नहीं है नहीं बट तो ये अच्छा है ना इससे अच्छी वो जी सारा डालना है इससे फायदा पता क्या होगा कि

जो बच्चों को सबसे ज्यादा नाश्ते में जैम कैचअप वगैरह की वो जरूरत महसूस करते हैं जो हमें आप देख के अंदाजा हो रहा है कि नहीं देना चाहिए बिल्कुल और भिल्कुल, उसके लिए बेहतरीन तरीका अच्छा ना मैं ज्यादा जोर आज मेरा छिलकों पर है खा, ये खाती है ना छिलका छिलकी हो गए छिलके हम जया कर देते हैं आमतौर पर ठीक है अगर ये हम छिलकों को बचा के रख लें तो दो जो ना चौबीस नॉर्मल साइज के उसके छिलके ठीक है दो किलो चीनी ठीक है ये लेंगे और ये जो छिलके हैं इसमें हम ये करेंगे कि नमक सात ग्राम और जो सोडा होता है वो सात ग्राम ठीक है ठीक है मीठा सोडा, कहते हैं, इन दोनों इन छिलकों को नमक सोडा जिसका सात ग्राम नमक और सात ग्राम मीठा सोडा बेकिंग पाउडर दो किलो चीनी और चौबीस किलो के छिलके छिलके अच्छा चौबीस किलो के छिलके को पानी में डालेंगे दो किलो पानी में ठीक है और ये दोनों चीज़ें सात ग्राम नमक और सात ग्राम मीठा सोडा उसी में डाल देंगे इसको इतना करना है कि ये बहुत ज़्यादा गल ना जाए क्योंकि वो जो होते हैं ना मिक्स से ना हो जाए एक अपनी हैत ये बरकरार रखे उसके बाद इसको रखें अलग कर लें और चीनी का कबाम बना के और उसको इसमें मिक्स करें तो एक पेस्ट ही बन जाएगी ठीक मुरब्बा टाइप है मुरब्बा टाइप है। ब्रेड के ऊपर लगा के दे बच्चों को और डेली रूटीन बना ये देसी जैम। देसी जैम जैम मार्मलेड लेडो मार्मलेड, मार्मलेड मार्मलेड होगा हो। हो। हो ये बेहतरीन घर में तैयार हो जाएगी बगैर बगा बड़ी सिंपल सी सिर्फ छिलके पानी और चीनी तीन चीजें

शेहत हाँ। शेहत तो बहुत बेहतरीन यानी कि वो जो चीनी हो उसे बच्चे। 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 और बच्चों के नुकसान होते बहुत ही चीज़ हो हर उम्र के लोग इससे चिकन एंड ऑरेंज बीफ भी बना सकते हैं जी हाँ अच्छा एक ना इसी के जो पल्प है इसका जूस लें एक किलो जूस एक किलो पानी तीन ग्राम टाटरी या सिट्रिक एसिड कहते हैं और तीन ग्राम ही सोडियम बैनजोट या सतलुबान ठीक, ठीक अच्छा ये चीनी एक किलो पानी मिला के इसके जूस में वो दोनों चीज़ें इसको रख दें जब थोड़ा सा बॉयल है तो उसको डालें दोनों चीज़ें सतलुबान और सिट्रिक एसिड और उसका जिस तरह शरबत का कमाम बनता है जब वो गाढ़ा हो जाए तो उसको उतार के रखें शरबत महसूस कर लें और ख़राब भी नहीं होगा सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन आइए अब इरम आपा के पास चलते हैं। वो बैठी हैं अपनी दुकान लगा के दुकान तो जैसे कहते हैं, हम पढ़े हैं राहों में आपा बैठी है अपनी दुकान के पास तो आपा आर वी मेकिंग जरा हम आपके पास ये टेबल ले, 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 ले आती हूँ और ये भी भी ये भी भी आ गया तो आपकी मैं है जी जी <laughs> मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी आ, ये बात हो रही थी आ, फेस मास्क की और स्क्रब बनाने की तो ये मैं बड़ा आसान और ये लोग तो हकीम साहब ज़रा चीज़ें बाज़ार वो बताते ना जो किराने की स्टोर से मिलती है तो मैं घर पे जो पड़ी हुई होती है हमारे किचन में सामान मैं उससे डबल रोटी और दूध निकाल रही है कि दूध और टोस्ट खाने लगी हैं जैम लगा <laughs> <बता> <laughs> मतलब <laughs> हाँ। इसमें इस इस ये थोड़ा सा हमने बादाम रोगन डाल दिया ठीक है ठीक है जी और इसके बाद एक दो चम्मच इसमें और जूस के डाल दें और

अच्छा ये, ये थोड़ा सा हमने जी आधा चम्मच इसमें ये डाल दिया इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया और मैं तो बिल्कुल घरेलू तरीके से आपको इसलिए बता रही हूँ बिल्कुल जी मैं होम एक्सपर्ट हूँ घर के हिसाब से बताऊंगी बिल्कुल आप बिलीव करें कि ये जो डबल रोटी में यीस्ट होता है ना ये हमारी स्किन को बहुत हेल्प करता है ये इसमें हल्का सा आप लगा के थोड़ी देर रहने दें उसके बाद आप इसको वॉश कर लें और इतना अच्छी आपकी स्किन हेल्दी और मज़े की हो जाती है कि ऐसे ही लगता है जैसे आपने कोई बहुत अच्छा सा फेशियल किया है इसमें दूध है बादाम रोहन है माल्टी का छिलका है और साथ ये डबल रोटी और ये इतना अच्छा सा बन जाता है आप स्किन पे लगा के थोड़ी देर उसके बाद इसको आपने ड्राई नहीं होने देना उसी तरह हल्के हल्के कीले को वॉश कर लेना और बस आपके अच्छा सा स्किन मास्क तैयार हो जाएगा अच्छा ये तो हो गया स्किन मास्क और... अच्छा अगर इसी में हम थोड़ी सी शुगर डाल देते हैं तो स्क्रब बन जाता है अच्छा ओके okay. इसी में हम थोड़ी सी शुगर ऐड कर देंगे इसी रेसिपी में तो वो स्किन को स्क्रब करके आप हाथों पे घुटनों पे बाजुओं पे अभी बात हो रही थी गोली पे, पे तो करके तो वो कर ले स्क्रब कर ले बड़ा अच्छा सा स्क्रब तैयार हो जाता है अच्छा फिर मैं आपको ये बताने लगी थी कि मार्बलेट जैम और जेली हमारे यहाँ इस चीज का बस अब नई जनरेशन को नहीं समझ आती जैम क्या है जेली क्या है और मार्मलेट में फ़र्क क्या है जैम और जेली में होता ये है कि ये जो गुदा होता है उससे बनता है जैम और जेली और जो मार्मलेट होता है वो छिलके से बनाया जाता है इसमें प्योर छिलका और जूस होता है, है। और उसमें चीनी और इसकी क्वांटिटी अब मैंने ये थोड़ा सा बनाया है मैंने यही कहा कि मार्मलेड आपने बनाया हाँ। देखिए हाँ। मैं आप मुझे असिस्टेंट रख लें हम <laughs> अच्छा अब इसमें कामयाब हो सकते हैं दोनों भाई बहन हाँ। <laughs> हाँ। अब इस, ये मैंने घर पे बनाया हुआ है अब आ, मैं आपको इसका हाथ से उठा के दिखा दें हाँ जी ये इस तरह से है ये देखें और इसमें चीनी ऑरेंज के छिलके और थोड़ा सा जूस जैसे एक किलो चीनी चार पाँच छिल माल्टों के छिलके जो बारीक कटे हुए थे और उन्हीं का जूस मैंने डाल के इनको पका लिया और ये इस तरह से बन गया और ये बहुत मजे का मार्मलेट है और ये घर, है आप आराम से घर में ना इसमें कोई प्रिजर्वर और ना कोई चीज ऐसी है, ठीक है। जो नुकसान देता हो okay. और फिर मैं इसके साथ ही आपको बताऊँ कि माल्टी का छिलका और कुवार गंदल जिसे एलोवेरा कहते हैं इसको आपने क्या करना है ये जो टिश्यू पेपर होते हैं और आजकल जो एक आ, हमें लिफाफे मिल जाते हैं बाजार में हम जाते हैं चीज़ें डालने के लिए वाइट कलर के उसको आप काट के उसको ऑरेंज जूस में आप भगो और उसको उसके ऊपर एलोवेरा लगा दें और माल्टे का छिलका लगा के चेहरे पर रख के थोड़ी देर उसको रखें वो आपका एक मास्क बन जाता है बाद में आप उससे उसके बाद आप मुँह धो लें बस आपका मास्क तैयार हो जाएगा Awesome. तो और ये बिल्कुल घर की चीजें हैं जो घर में आपके पास होती हैं कहीं बाहर नहीं जाना और आए हुए होते हैं मैं तो घर में दरख्त लगे हुए मैं वहीं से और तोड़ती हूँ और अपने काम करती रहती हूँ और खास से ज्यादा ऑरेंजेस हैं जैसे मैंने बताया कि पाँच फुट के फासले पे आप द्रख्त लगा लें पाँच सौ हजार में पौधा आ जाता है और अपना पौधे खुद से डिवेलप करें और घर के ऑरेंज इंजॉय करें कि जैसे कि किन्नू लीमू किए जा रहे हैं आजकल कितने उससे होता है कि जी लिमो घर पे घर में उगा, हुआ में उगा तो हैं। काम कर सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, ना तो फिर बार बार जब जाना है, लेने के, से के हम शाम को जब बैठते हैं बच्चे स्कूल से कॉलेज से आ जाते हैं यूनिवर्सिटी से जॉब से लोग तो इकट्ठे बैठ के फ्रूट खाए और माल्टे छील के खाएं खुद से छील में बैठ के खाएं तो बहुत ही अच्छा होता है डबल काम करता है वो विटामिन डी भी और सी भी और डी और सी दोनों मिलके

और उस किन्नू के ऊपर साथ उसका जो वाइट 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 उपर, जो ऊपर फाइबर शाइबर होता है वो भी साथ खा लेगा तो वो कंट्रोल में ले आएगा शुगर को और आपका शुगर स्पाइक नहीं करेगा लेकिन डॉक्टर से जरूर रुझू कर लीजिएगा अगर आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज है तो फिर आपने बहुत एहतियात कर सकते दूसरा एक मामला कॉन्स्टिपेशन का भी है अच्छा जिनको इसमें चूंकि अनसॉल्युबल फाइबर भी होता है अच्छा वो आ, उसकी वजह से ये कब्ज का मामला भी रफा हो जाता है तो ये बड़ी अच्छी चीज है आ, इसको मेरी सिर्फ मैसेज ये है कि जो मौसम के फल हैं मौसमी असरास से बचने के लिए बेहतरीन अल्लाह ताला का तोहफ़ा इसको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए फाइनली डॉक्टर साहब बात को आज के शो को कंक्लूड कर दें जी बिल्कुल एक तो ये कि अभी आपने जो बात करने लगा था वो आपने कर दी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी माल्टा छीलते हैं तो उसके ऊपर से भी उसकी जो काशों के ऊपर लगा होता है वाइट धागा सा वो भी उतार देते हैं उसको बिल्कुल नहीं उतारना आपने वो आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने उस फल का जैसे हम लोग जब खाते हैं खुबानी तो कहा जाता है उसी तरह के ऊपर जो वाइट हिस्सा होता है माल्टी वटेवर उसको लोग क्या करते हैं छील छील के उतार के ना बिल्कुल प्योर किन्नू खाना शुरू हो जाता है अब तो लोग ऊपर से भी छिलका उतार के ऐसे फांक बना के उसको चबा के खा लेते हैं ऐसे नहीं करना पूरी चीज खाएं पूरी चीज खाएं बस बीज निकाल दें पूरी चीज़ खाएं और बीज अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो उसका बड़ा हल हाँ, है। हाँ। उसका अलग तरीका आ जाता है तो इसलिए जब भी जो भी आपको फल मैक्सिमम फाइबर के साथ लेना है तो फिर आपने इस तरह से लेना है उसके साथ साथ आपने इसका जो भी जिस वक्त भी आप माल्टा खाएं उसके साथ अगर आप थोड़ा सा जिन बच्चों को भूख नहीं लगती है जिनका हजमा ख़राब रहता है जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं वो माल्टे की फांग के साथ उनको थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा काला नमक लगा के चटाएं तो उससे बच्चों की भूख खुलती है और उनका हाजमा ठीक होता है और पेट के कीड़े जो उनसे हैं वो भी साफ़ होने के चांसेस होते हैं शायद को दुमार के कीड़े भी ख़त्म हो जाए लेकिन इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का हमें गाइड करने का हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं मॉर्निंग एट होम के जब भी साथ आके बैठते हैं तो एक डिफरेंट लेवल का मजा आता है सो थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस देखिए जो सीजनल चीज़ होती है उससे रिलेटेड अगर बात करें तो हम उसके मैक्सिमम फ़ायदे ले सकते हैं शेफ नूर सारी चीज़ें रेडी हैं थैंक यू सो मच अब हम दही भले खाएंगे और उसके बाद फिर डिजर्ट खाएंगे या हो सकता है कि दोनों को मिक्स कर लें दोनों ही सफीदा मिक्स मिक्स करके स्वीट एंड सावर टाइप हम खा लेंगे ये हम देखेंगे शो के बाद और शो को कंक्लूड करते हुए देखें दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ पॉइंटलेस नहीं बनाई किन्नू को अगर आप पकड़ लें उसका बीज उसके अंदर का फाइबर वो एक्चुअल उसका जो जूस है जो किन्नू का पल्प है वो उसके ऊपर जो वाइट वाइट बाल होते हैं वो फिर उसका छिलका हर लेवल पे ये फ्रूट आपको बेनिफिट्स देता है तो जितना इसको मुकम्मल अंदाज़ में आप इंसान यूज़ करे उतना ही फ़ायदा है वाइटमिन सी के महंगे महंगे सीरम हम लोग लेते रहते हैं घर में ही बड़े सिंपल अंदाज में आज कल एटलीस्ट देखिए जब इन सीज़न ना हो तब आप ज़रूर वाइटामिन सी का सीरम इस्तेमाल करें लेकिन जब एक चीज़ इन सीज़न है उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लें और अपने पैसे भी बचाएं। वाई वेस्ट मनी सो यहाँ पे शो को क्लोज़ करेंगे अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा खुदा हाफिज